हेलो एवरीवन नेक्स्ट टॉपिक जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इफ अ ए फेड इज़ एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी देन इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट जेड नॉट इन साइड सी इज गिवन बाय एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है किसी क्लोज कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे तो उस कंटूर के अंदर कोई पॉइंट जेड नॉट है तो उस पॉइंट जेड नोट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश जेड इक्वल ये हमें प्रूव करना है और ये रिज़ल्ट भी इंटीग्रेशन सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प करेगा जिस तरह से कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला हेल्प करता है तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं देखिए फंक्शन हमें एफ जेड एनालिटिक दे रखा है एक क्लोज कंटूर के अंदर और बाउंड्री पर सपोज ये हमारा क्लोज कंटूर है तो फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है इसके अंदर और इसकी बाउंड्री पे तो गिवन है एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी ठीक है इस कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक है अब कंटूर के अंदर कोई पॉइंट जेड नोट सपोज ये है ठीक है तो अगर किसी क्लोज कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक हो और उसके अंदर कोई पॉइंट जेड नोट लाई करता हो तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं ठीक है इसी के कंटिन्यूशन में लिखती हूँ एंड जेड नोट इज एनी पॉइंट विद इन सी बाय कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रिल फॉर्म्यूला एफ जेड नोट इक्वल क्या था वन अपॉन टू बाई आओटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड ठीक है ये एफ़ जेड नोट की वैल्यू थी और हमें फाइंड आउट करनी है एफ़ डैश जेड नोट की वैल्यू ठीक है तो डेरीवेटिव जो हमने डिफाइन uh, किया था या फिर जो हमें पता है डिफ्रेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो एफ़ डैश जेड इक्वल होता है लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपोन डेल्टा जेड ठीक है ये हमने पढ़ा हुआ है डिफ्रेंशिएशन इस तरह से डिफाइन होता है ठीक है यहाँ पे जेड प्लस डेल्टा जेड जेड के नेबरहुड में कोई पॉइंट होता है क्योंकि डेल्टा जेड कोई स्मॉल डिस्टेंस हमने ली है तो कहीं जेड पॉइंट है और उसके नेबरहुड में जेड जैसे सपोज ये z पॉइंट है तो इसके नेबरहुड में ये डेल्टा जेड डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट प्लस डेल्टा जेड लेते हैं हम ठीक है तो यहां हम क्या करेंगे डेल्टा जेड लिखने की बजाय इसको एच लिख देंगे जो स्मोलूम कर लिया अगर तो उस लॉजिक से एफ डैश अगर हमें जेड नोट फाइंड आउट करना है तो क्या बनेगा ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन एच डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन से ठीक है और जेड नोट प्लस एच जेड नोट के नेबरहुड में कोई पॉइंट होगा जैसे ये जेड नोट है तो सपोज यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये जेड नोट प्लस एच है और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो एच है ठीक है तो हमें एफ डैश जेड नोट फाइंड आउट करना है कुछ प्रूव करना है तो एफ डैश जेड नोट के लिए हमें ये चाहिए एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन एच और उसमें फिर हम लिमिट ले लेंगे एच टेंड्स टू जीरो तो इन शॉर्ट एफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ जेड नोट करना है ठीक है तो यहाँ से एफ जेड नोट प्लस एच की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या बनेगी वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी जेड नोट की जगह जेड नोट प्लस एच रखना है एफ जेड जेड माइनस जेड नोट माइनस एच डी जेड ठीक है अब क्या करना है इसमें से इसे माइनस करना है और एच से डिवाइड करना है तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर रही हूँ एफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ जेड नोट अपॉन एच देखिए वन अपॉन टू पाई आयोटा दोनों में कॉमन है इंटीग्रेशन भी दोनों में आ, सेम कंटूर के लिए है आ, इंटीग्रेशन के अंदर एफ जेड है वो भी कॉमन है ठीक है और एच से हम पूरे को डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी बाहर लिखा जा सकता है तो वन अपोन टू पाई आयोटा एच इंटीग्रेशन सी एफ जेड जो डिफरेंट आ रहा है वो हम लिख रहे हैं वन अपोन जेड माइनस जेड नोट माइनस एच माइनस वन अपोन जेड माइनस जेड नोट डी जेड ठीक है अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं वन अपॉन टू पाई आयोटा एच इंटीग्रेशन सी एफ जेड एल सी एम लेंगे जेड माइनस जेड नोट माइनस एच जेड माइनस जेड नोट देखिए क्या बनेगा जेड माइनस जेड नोट माइनस जेड प्लस जेड नोट प्लस एच ठीक है तो जेड नोट से जेड नोट कैंसिल जेड से जेड कैंसिल यहाँ पे बचेगा सिर्फ एच और ये एच बाहर वाले एच से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ रहा है वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस एच जेड माइनस जेड नोट डी जेड राइट ये किसके बराबर आ रहा है इस चीज के बराबर अब हमें पता है जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो लेंगे ये एफ डैश जेड नोट बन जाएगा ठीक है तो देखिए एफ डैश जेड नोट इक्वल प्रूव क्या करना था इक्वल हमें ये वाला रिजल्ट प्रूव करना था ठीक है तो ये जो रिजल्ट है ना ये हम हमारी जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखी है उसमें दोनों तरफ माइनस करेंगे ये वाला रिजल्ट में जो लास्ट रिजल्ट हमने लिखा है उसमें दोनों तरफ माइनस करूंगी यहाँ पर यहाँ पर माइनस वन अपॉन टू पाई आटा इंटीग्रेशन में जो प्रूव करना है वो और इधर भी माइनस ठीक है तो इस तरफ पूरा जो हमें चाहिए वो बन जाएगा तो हमें अल्टीमेटली इस साइड को जीरो प्रूव करना होगा और हमारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने ये टर्म माइनस करके लिख दिया राइट हैंड साइड में देखो वन अपॉइन्ट टू पाई आईटा इंटीग्रेशन और एफ जेड ये अगेन कॉमन है तो हम कॉमन लेके लिख रहे हैं वन अपॉइन्ट टू इंटीग्रेशन सी एफ जेड वहाँ था वन अपॉन जेड माइनस जेड नाट जेड माइनस जेड माइनस एच ठीक है और ये है माइनस वन अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डी जेड ठीक है अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इनफैक्ट जेड माइनस जेड नोट भी एक फैक्टर कॉमन आ रहा है तो वो एक फैक्टर हम कॉमन लेके या फिर कह लो एल सी एम लेके इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं तो वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड ये बनेगा जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर जेड माइनस जेड नोट माइनस एच तो ये आएगा z माइनस जेड नोट माइनस जेड प्लस जेड नोट प्लस एच डी जेड तो z से z कैंसिल z नोट से z नोट कैंसिल ये एच कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा तो एच अपोन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपोन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर जेड माइनस जेड नोट माइनस एच डी जेड ठीक है देखिए ये जो साइड है ना इसमें लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो अगर हम लगाएंगे तो ये जो पार्ट है ये बन जाएगा एफ डैश जेड नोट और ये पार्ट इसमें एच है नहीं तो इस पर लिमिट लगेगी नहीं ठीक है तो इस पार्ट के इक्वल हमें ये प्रूव करना है एफ डैश जेड नोट इक्वल ये प्रूव करना है यानी अल्टीमेटली ये चीज़ जो है वो ज़ीरो होगी कहीं ना कहीं ठीक है तो उसके लिए यही तरीका होता है हमेशा दोनों तरफ मॉड्युलस ले लो इस, इस साइड को सिम्पलीफाई करो वो जीरो बन जाएगी ठीक है वैसे तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर हम एच टेंड्स टू ज़ीरो लेते हैं तो भी ये जीरो हो जाएगा लेकिन हम ऐसे एसटेंस टू जीरो नहीं लेंगे हम पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि अगर मान लो कहीं अपोन में जीरो बन जाता है तो फिर वो जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन सकती है ना तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए पहले पूरा सॉल्व करेंगे तो मैं इस तरफ वाली टर्म लिख देती हूँ ये है एफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ जेड नोट अपोन एच माइनस वन अपोन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपोन z माइनस जेड नोट का स्क्वायर ठीक है हमें क्या करना है दोनों तरफ मॉड्यूलस लेना है दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लिया हमने अब इस मॉड्यूलस को इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाएंगे तो साइन जो है वो लेस देन इक्वल का हो जाएगा ठीक है एच पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एच हमने डिस्टेंस लिया और हमें पता है डिस्टेंस पॉजिटिव होती है अपॉन टू पाई आयोटा का जो मोड्यूलस है वो वन होता है क्योंकि आ, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ वैसे तो आपको पता ही होगा ये क्योंकि मोड आयोटा मतलब अंडर रूट रियल पार्ट तो जीरो है और इमेजनरी पार्ट वन है तो ये वन आएगा ठीक है नेगेटिव तो होता नहीं है मोड तो टू पाई इंटीग्रेशन सी मोड एफ जेड मोड जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर मोड जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर मोड जेड डी जेड यहाँ पर ये स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया है इसे हम मैंने बाद में कट कर दिया है तो ये गलती से लिखा गया है अब हमें ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ठीक है देखिए फंक्शन जो है ना एफ जेड हमें इस क्लोज कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक दे रखा था एनालिटिक मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो हमें पता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है तो फंक्शन एफ जेड क्लोज रीज़न में कंटिन्यूस है तो सेकेंड uh, ईयर में जब हमने कंटीन्यूस फंक्शन पे थ्योरम्स पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस होता है तो वो बाउंडेड होता है बाउंडेडनेस वाली थ्योरम तो उस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि फंक्शन एफ जेड क्लोज रीज़न में कंटिन्यूस uh, है इसलिए ये बाउंडेड होगा ठीक है तो मैं इसको मैंशन कर देती हूँ सिंस एफ जेड इज़ एनालिटिक विद इन एंड ओन क्लोज कंटूर सी ठीक है एनालिटिक है सो एफेड इज कंटिन्यूस विदिन एंड ओन सी कंटिन्यूस है, है और जब कोई फंक्शन क्लोज रीजन में कंटिन्यूस होता है तो एफ जेड इज बाउंडेड ऑन सी तो फंक्शन उस कंटूर में बाउंडेड होता है और बाउंडेड होता है मतलब लेट मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल m uh, कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिससे फंक्शन का मोडुलस हमेशा छोटा होगा तो मतलब हमें ये पता है ना ये चीज़ ऐसे माइनस एम से बड़ा और बराबर और एम से छोटा और बराबर तो दोनों तरफ से बाउंडेड हो गया फंक्शन ठीक तो है तो फंक्शन बाउंडेड है तो मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल एम ये हमने एम एज्यूम कर लिया ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है ठीक है देखिए ये ये वाली चीज़ तो हो गई सॉल्व इसकी जगह तो आ जाएगा एम अब ये जो है मोड जेड माइनस जेड नॉट और ये ये वाला जो पार्ट है ये हमें सॉल्व करना है ठीक है अब देखिए जो हमारा कंटूर है वो ये कंटूर था हमारा सी ये मैंने सर्कल बनाया है ये कोई क्लोज कंटूर है ज़रूरी नहीं है सर्कल हो हमने यहाँ कहीं जेड नोट पॉइंट लिया था ठीक है अब देखिए इस कंटूर के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब जेड जो है वो मूविंग पॉइंट है इसकी बाउंड्री पर ठीक है तो जेड अगर यहाँ होगा तो इसके बीच की डिस्टेंस ये होगी जेड और जेड नोट के बीच की डिस्टेंस जो मोड z माइनस जेड नोट होता है इसका मतलब यही होता है ना z और z नोट के बीच की डिस्टेंस ठीक है जब यहां होगा तो डिस्टेंस ये वाली होगी मतलब डिस्टेंस चेंज हो, होती जा रही है z और z नोट के बीच की ठीक है तो जो z और z नोट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है ना सबसे कम दूरी उसे हम d मान लेते हैं लेट मिनिमम z माइनस जेड नोट इक्वल डी जेड माइनस जेड नोट की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमने डी मान ली ठीक है अच्छा डी मिनिमम वैल्यू है इसका मतलब ये हुआ कि जेड माइनस जेड नोट जो है वो या तो डी होगा या डी से बड़ा होगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू है तो मान लो जैसे हमें दिखने में ऐसा लग रहा है ना कि ये वाली डिस्टेंस मिनिमम है तो ये वाली डी है तो जब जेड यहाँ पर है तब तो डी है इसकी वैल्यू और जैसे यहाँ आएगा इसकी वैल्यू डी से बड़ी हो जाएगी ठीक है तो मोड z माइनस जेड नोट इज ग्रेटर देन इक्वल d d अगेन कॉन्स्टेंट है लेंथ है तो हमें पता है कोई कॉन्स्टेंट uh, नंबर ही होगा तो अगर हम यहाँ से वन अपॉन मोड z माइनस जेड नोट की बात करें तो ये क्या होगा लेस देन इक्वल वन अपॉन d ठीक है तो इंटीग्रेशन में जो हमारा ये वाला फैक्टर था वन अपॉन z माइनस जेड नोट ये भी वन अपोन डी बन जाएगा ठीक है और साइन लेस देन ही रहेगा राइट अब सिर्फ ये एक फैक्टर बचा है तो इसको और देख लेते हैं क्या बनेगा तो देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं मोड जेड माइनस जेड नोट माइनस एच इसकी अगर हम बात करें तो ये ग्रेटर देन इक्वल होता है मोड जेड माइनस जेड नोट माइनस एच से ठीक है आपको रिजल्ट याद होंगे मोड जेड वन माइनस जेड टू ग्रेटर देन इक्वल होता है मोड जेड वन माइनस जेड टू से ठीक है तो ये रिजल्ट हमने यूज किया है ओके तो ये जो चीज है ये इससे बड़ी है ये जो है मोड जेड माइनस जेड नोट हमने uh, क्या माना था देखिए ये रहा ग्रेटर देन इक्वल डी ठीक है तो अगर मैं इसकी जगह डी लिखती हूं तो ये ग्रेटर देन का साइन डिस्टर्ब नहीं होगा डी ग्रेटर देन ही रहेगा वो ठीक है तो ये बन रहा है हमारा इस इसके बाद वाला मैं रिजल्ट लिख रही हूं नोट जेड माइनस जेड नोट माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल डी माइनस एच ठीक है ये डी पॉजिटिव है एच पॉजिटिव है इसलिए मैंने uh, इनपे मॉडुलस नहीं लगाया है ठीक है और एच तो वैसे भी बहुत स्मॉल बहुत छोटा नंबर है क्योंकि हम जेड नोट के नेबरहुड में कोई पॉइंट लेते हैं तो कोर्स एच जो है वो डी से छोटा होगा तो हमें इस पर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है ये पॉजिटिव होगा तो ये हम लिख सकते हैं डी माइनस एच ठीक है तो अगर वन अपॉन मोड जेड माइनस जेड नोट माइनस एच की बात करें तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल वन अपॉन डी माइनस एच तो इंटीग्रेशन के अंदर ये देखिए ये जो सारी वैल्यूज़ थी ये हमने फाइंड आउट कर ली है मोड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल हमने एम माना है तो इसकी जगह जब हम एम uh, पुट करेंगे तो ये लेस देन इक्वल का ही साइन आएगा इसकी जगह आएगा डी और इसकी जगह आएगा डी माइनस एच ठीक है इसका स्क्वायर नहीं था सॉरी ये गलती से लिखा गया है इसका स्क्वायर था सिर्फ तो मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दी मैंने लेस देन इक्वल वन अपॉन टू पाई था इंटीग्रेशन सी ये आया एम अपॉन में डी का स्क्वायर डी माइनस एच यहाँ पे एच भी था सॉरी डी जेड मोड ठीक है तो लेस देन इक्वल एम एच अपॉन टू पाई डी स्क्वायर डी माइनस एच इंटीग्रेशन सी मोड डीड और ये इंटीग्रेशन हमें पता है कंटूर की लेंथ को बताता है तो कंटूर की लेंथ हम मान लेते हैं एल है होगी तो कोई फिक्स ही ना लेंथ क्योंकि क्लोज्ड कंटूर है तो लेंथ फाइना फाइनाइट ही होगी इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती तो लेट एल बी लेंथ ऑफ कंटूर सी कंटूर की लेंथ हमने एल मान ली तो ये जो मॉडुलस है ये लेस देन इक्वल आएगा एम एल एच अपॉन टू पाई डी स्क्वायर डी माइनस एच ठीक है लिख देती हूँ मैं एफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ जेड नोट अपॉन एच माइनस वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर ठीक है अब देखिए हमें क्या करना है लिमिट लेनी है एच टेंस टू जीरो क्योंकि हमें डेरिवेटिव बनाना था तो बाय टेकिंग लिमिट एच टेंस टू जीरो तो जैसे टेंड्स टू जीरो लोगे ये वाली साइड जीरो हो जाएगी क्योंकि एम एल कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन में जीरो और अपोवन में भी देखिए जीरो नहीं बन रहा जो जो चीज़ हम सोच रहे थे ना क्या पता अपोन में जीरो बन जाए तो वो जीरो बाई जीरो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी तो अपोन में जीरो नहीं बन रहा क्योंकि एच को जीरो रखेंगे तो ये टू बाई डी क्यूब बनेगा ठीक है तो ऊपर जीरो आ रहा है तो उस वजह से ये जीरो हो जाएगा ठीक है और डी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि जेड नोट पॉइंट कंटूर के अंदर है हमें दे रखा था विद इन द कंटूर ठीक है तो Z और Z नोट का डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता क्योंकि Z बाउंड्री पे है Z नोट अंदर है तो उनका डिफरेंस बहुत कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता ठीक है सो एच टेंड्स टू जीरो लेंगे तो ये वाली साइड लेस देन यहाँ जीरो आएगा और मॉड्युलस नेगेटिव होता नहीं है तो ओनली पॉसिबिलिटी इट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो तो मॉड्यूलस के अंदर जो लिखा है वो ज़ीरो हो जाएगा ठीक है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे तो हम लिमिट लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन एच माइनस ये एच से फ्री है एच है ही नहीं इसमें तो इस पर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डी जेड इक्वल ज़ीरो ठीक है तो ये बन गया हमारा एफ डैश जेड नोट इक्वल वन अपॉन टू बाई आटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डी जेड और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था ठीक है तो ये है डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन नेक्स्ट जो थ्योरम हमें प्रूव करनी है वो है द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी एनालिटिक फंक्शन होता है तो देखिए मैंने इनडेफिनेट uh, इंटीग्रल वाले प्रूफ में आपसे कहा था हमने ये रिजल्ट यूज़ किया था कि एक एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव एनालिटिक होता है और मैंने कहा था कि इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे तो uh, ये वाली वो थ्योरम है जिसकी मैं पहले बात कर रही थी डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज़ एनालिटिक ठीक है देखिए कोई फंक्शन एनालिटिक कब होता है एनालिटिक की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें यह था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर और उसके नेबरहुड के हर पॉइंट पे डिफ्रेंशियबल हो जाए तो वो एनालिटिक हो जाता है ठीक है अभी फिलहाल ये क्या कह रहे हैं हमें डेरीवेटिव ऑफ़ एन एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक हमें एनालिटिक फंक्शन के डेरीवेटिव को एनालिटिक प्रूव करना है तो हम मान लो एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन ले कर चल रहे हैं एफ जेड एनालिटिक फंक्शन ठीक है एनालिटिक फंक्शन है किसी क्लोज uh, कंटूर में डिफाइंड ठीक है विद इन एंड ऑन सी तो उस कंटूर के अंदर कोई पॉइंट अगर हम जेड नोट लेते हैं तो अभी अभी हमने प्रूव किया था कि एफ डैश जेड नोट इक्वल आएगा वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डी जेड राइट या फिर ऐसे समझ लो किसी रीज़न में फंक्शन एनालिटिक है तो उस रीज़न में हमने कोई क्लोज कंटूर लिया तो जब फंक्शन रीज़न में पूरे में एनालिटिक है तो उस क्लोज कंटूर की बाउंड्री पर और उसके अंदर एनालिटिक होगा और उसके अंदर हमने कोई पॉइंट जेड नोट लिया तो एफ डैश जेड नोट इक्वल ये होगा राइट अब आपको क्या करना है एफ़ डबल डैश जेड नोट कैलकुलेट करना है जैसे हमने एफ़ जेड नोट से एफ़ डैश जेड नोट फाइंड आउट किया ना अभी जो पूरा प्रोसीज़र किया वैसे ही आपको एफ डैश जेड नोट से एफ डबल डैश जेड नोट फाइंड आउट करना है ये मैं नहीं करूँगी क्योंकि पूरा प्रोसीज़र रिपीट होगा जो अभी अभी किया है तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है हमें इस तरह से करना है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ डैश जेड नोट प्लस एच माइनस एफ डैश जेड नोट अपॉन एच ठीक है तो ये एफ डैश जेड नोट की वैल्यू है इसमें जेड नोट की जगह जेड नोट प्लस एच रखेंगे माइनस एफ डैश जेड नोट करेंगे दोनों इंटीग्रेशन का डिफरेंस और पूरा प्रोसीजर जो अभी अभी किया था उस तरह से हम एफ डबल डैश जेड नोट कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो आफ्टर कैलकुलेशन एफ डबल डैश जेड नोट की वैल्यू आएगी वन अपॉन टू पाई आइटा यहाँ पे आएगा टू का फैक्टोरियल इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन z माइनस जेड नोट क्यूब डी जेड ठीक है तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद f डबल डैश z नोट की वैल्यू ये आएगी ठीक है मतलब हम ये कह रहे हैं कि f डबल डैश z नोट एग्जिस्ट करता है ठीक है मतलब हम ये कह रहे हैं कि डेरीवेटिव ऑफ एफ डैश जेड नोट एग्जिस्ट एफ डैश क्या है डैश का ही तो है मतलब एफ डैश जेड नोट का डेरीवेटिव एग्जिस्ट करता है इसका डेरीवेटिव मतलब हम ये कह रहे हैं एफ डैश जेड नोट इज एनालिटिक ठीक है फंक्शन एफ जो एफ जेड हमने एनालिटिक लिया था और अब हम कह रहे हैं उसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक है ठीक है जेड नोट हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया मतलब वो पूरे कंटूर के लिए एप्लीकेबल होगा ठीक है तो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड हम लेके चले थे फंक्शन एफ जेड एनालिटिक था ये रिजल्ट हमने अभी अभी प्रूव किया था तो वहाँ से यूज़ करेंगे हम फिर इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम इस डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से एफ डबल डैश जेड नोट फाइंड आउट करेंगे जो कि ये आएगा पूरी कैलकुलेशन करने के बाद अब जैसे ही एफ़ डबल डैश जेड नोट की वैल्यू आ गई इसका मतलब ये हो गया कि एफ़ डैश जेड नोट का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एफ़ डैश जेड नोट का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है और जैसे ही किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करता है हर जगह पे तो हम कह देते हैं वो फंक्शन एनालिटिक है तो मतलब हम ये कह रहे हैं एफ़ डैश जेड नोट इज़ एनालिटिक और इन शॉर्ट एफ डैश जेड इज़ एनालिटिक ठीक है तो एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी एनालिटिक होता है ये प्रूफ हो गया ठीक है तो इसके प्रूफ में हमें यही कैलकुलेट करना है और ये सब सिर्फ लिखना है कि एफ डैश जेड नोट का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है मतलब एफ डैश जेड नोट एनालिटिक है मतलब हम कह है सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी एनालिटिक होता है ठीक है अब मैं एक और चीज़ इस वीडियो में बताना चाहूँगी वो है जैसे हमने एफ़ डैश जेड नोट निकाला फिर एफ डबल डैश जेड नोट निकाला इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एफ एम एम एथ डेरिवेटिव एम बार डिफ्रेंशिएशन जेड नोट इक्वल होता है एम फैक्टोरियल अपॉन टू पाई आयटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एम प्लस वन डीज एड ठीक है तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा तो ये ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो एम की जगह वन रखोगे तो जो पहला रिज़ल्ट आज हमने निकाला वो बन जाएगा एम की जगह टू रखोगे तो जो दूसरा रिजल्ट मैंने आपको निकालने के लिए कहा है वो बन जाएगा ठीक है और थर्ड फोर्थ सारे डेरिवेटिव्स निकाले जा सकते हैं और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनेंगे उनको सॉल्व करने में तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे आई होप इसमें जो भी बताया मैंने वो आपको समझ आ गया होगा अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच